चीन की इस कायराना हरकत के बाद देश भर में आक्रोश है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। कैट ने करीब 500 आयातित वस्तुओं की सूची भी तैयार की है। CAIT ने कहा कि उसका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को $13 बिलियन या लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए कम करना है। सोमवार को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन के बीच हुए टकराव के बाद कैट ने यह कदम उठाया है। कैट द्वारा तैयार की गई सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं जैसे खिलौने, फर्निशिंग फैब्रिक, बिल्डर हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, लगेज, हैंडबैग, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपेरल, यार्न, फेंगशुई आइटम्स, दिवाली एवं होली का सामान, चश्मे, टेपेस्ट्री मटेरियल आदि शामिल है। ये तो हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही आगे इसी तरह खास रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।